Hello friends, my name is Anil and I am your English mentor. Today we are going to study part number 4 based on rules of adjective. In this particular session, I'm going to teach you about positive degree as well as comparative degree. So let us start our topic in detail. So rule number 1 says, ab rule number 1 ko dhyan se dekhte hain, dekhen. पॉजिटिव डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम समझते हैं डिग्रीज कैसी होती है। देखो, मान लो मैंने एक डिग्री उठाई स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट। दूसरी डिग्री होगी इसकी स्मार्टर और थर्ड जो डिग्री होगी इसकी स्मार्टेस्ट। देखिए, जब आप स्मार्ट तो पॉजिटिव डिग्री होगी आपकी, और स्मार्टर जब दो इंसानों के बीच में कंपेरिजन करते, दो चीज के बीच में कंपेरिजन करते तो हम कंपेरेटिव डिग्री यूज कर लेते हैं, और दो से ज्यादा के बीच में हम यूज कर लेते हैं स्मार्टेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के केस में। देखिए, पॉजिटिव डिग्री जनरली हम यूज कर लेते हैं एज के केस में। देखो, एज जब आता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका सो एज आया तो सो एज सिर्फ आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और इनके बाद आने वाली जो डिग्री होगी सो एज के बाद या एज के बाद आने वाली डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी। देखिए, राम इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और वैसे भी हमने एज के बाद देखो डिग्री कौन सी यूज की, पॉजिटिव डिग्री यूज की, यानी फर्स्ट डिग्री हमने यूज की है, ठीक है। सेंटेंस राम इज नॉट एज वाइज एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एज को यूज कर सकते हैं, और डिग्री हमने कौन सी यूज की, पॉजिटिव डिग्री यूज की है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, राम इज सो वाइज एज हिज ब्रदर। सेंटेंस आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन सो एज जो है वो क्या होता है, वो तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करने का जो तरीका है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर इसको एज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें सो एज के साथ बनाना है तो हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। देखो, राम इज नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम सो वाइज सो एज का यूज कर लेते हैं, राइट। और एज के बाद और सो एज के बाद हमने डिग्री कौन सी यूज की है, पॉजिटिव डिग्री यूज की है, यानी फर्स्ट डिग्री हमने यूज किया है, राइट। चलो रूल नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखिए, एज की अगर मैं बात करता हूं या सो एज की अगर मैं बात करता हूं तो इनके बाद हमेशा ही आपकी पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। अब एरर देने वाला कैसे देते हैं, इनके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाकर दे देता है, विच इज इनकरेक्ट। देखिए सेंटेंस, माई यंगर ब्रदर एज स्मार्टर एज माई फादर। अब देखो, एज स्मार्टर एज माई फादर, अब तो एज के बाद तो आपकी क्या आनी चाहिए, कौन सी डिग्री आनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। सेंटेंस करेक्ट क्या होना चाहिए था, माई ब्रदर इज एज स्मार्ट एज माई फादर, तो ये इसकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, हिसार इज नॉट सो बिगर एज सिरसा। नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सो एज आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने डिग्री तो कंपैरेटिव यूज कर ली, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे बिग होना चाहिए था, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो इन शॉर्ट, एज इज के बाद और सो एज के बाद, यानी एज इज के बाद और सो एज के बाद आपकी कौन सी डिग्री आप यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री आप यूज करेंगे, राइट। अब रूल नंबर 3 पे हम चलते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्संस। देखिए, हम कंपैरेटिव डिग्री जनरली हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं या दो पर्संस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं। राम इज वाइजर देन श्याम, तो ऑब्वियसली बात है, राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन है, तो हमने कौन सी डिग्री यूज की है, कंपैरेटिव डिग्री यूज की है, वाइजर। फर्स्ट इसका डिग्री कौन सा होता है, वाइज, सेकंड डिग्री जो होता है इसका वाइजर, थर्ड डिग्री जो होता है वाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो वाइजर करेक्ट हो गया आपका। इंडिया इज लार्जर देन पाकिस्तान, अब दो कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा है तो लार्जर हो गया, ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया आपका। शी इज प्रीटियर देन हर फ्रेंड, अब देखो शी मतलब और हर फ्रेंड दो बंदे हो गए, दो इंसान हो गए, तो इनके बीच में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लिया, प्रीटियर। प्रीटी फर्स्ट डिग्री होता है, प्रीटियर सेकंड डिग्री होता है, प्रीटियस्ट मतलब आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब यहाँ पे दो बंदे तो हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लिया। ही स्ट्रॉन्गर देन हिज यंगर ब्रदर, अब देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, अब तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई क्योंकि कंपैरिजन आपका ही और हिज फ्रेंड के हिज यंगर ब्रदर के बीच में है। तो ये रूल नंबर 3 रहा आपका। अब रूल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। देखें, ध्यान से देखेंगे हम इसको। कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सिमिलर केस, कंपैरिजन हमेशा हमेशा ही आपका सिमिलर केस में होना चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, पहले हम, राम इज बेटर देन मी। अब जनरली ये सेंटेंस बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, विच इज इनकरेक्ट। अब देखो, राम कौन सा केस हुआ आपका, राम आपका सब्जेक्टिव केस हुआ,
ठीक है, और मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कंपैरिजन जो कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस, कंपैरिजन तो हमेशा सिमिलर केस में होना चाहिए। अगर राम सब्जेक्टिव केस है तो आपका जो प्रोनाउन होना चाहिए वो भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, तो करेक्ट आंसर बनना चाहिए राम इज बेटर देन आई होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं, शी इज वाइजर देन हिम, शी इज वाइजर देन हिम। अब देखो, अब यहाँ पर जो शी है ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस हो गया, और हिम है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, विच इज इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए, शी इज वाइजर देन ही होना चाहिए, क्योंकि शी अगर सब्जेक्टिव केस है तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही लेना होगा, राइट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं, माई यंगर सॉरी माई मदर लव्स मी मोर देन शी, माई मदर लव्स मी मोर देन शी। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कंपैरिजन आपका मी और शी के बीच में किया गया है, ठीक है। तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपका देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो माई मदर लव्स मी मोर देन शी नहीं होगा, बल्कि मोर देन हर होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस। अब मी अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो आपका देन के बाद आने वाला प्रोनाउन भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ही रन्स फास्टर देन आई डू, राइट, ही रन्स फास्टर देन आई। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो एक्शन को लेकर है, ठीक है। कंपैरिजन किस चीज को लेकर है, एक्शन को लेकर है। तो होना क्या चाहिए करेक्ट आंसर, देखिए ही रन्स फास्टर देन आई डू, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज को लेकर है, कंपैरिजन है आपका एक्शन को लेकर है। तो यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गया, तो यहाँ पर रन है तो यहाँ पर हमें डू यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस। तो पहले केस में कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में था, दूसरे केस के अंदर कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्टिव केस में था, और थर्ड केस में मैंने कंपैरिजन किया है आपका एक्शन के बीच में, यानी वर्ब के बीच में। सो कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस, जो कंपैरिजन होना चाहिए वो सिमिलर केस में होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं हम, अब यहाँ पे बात समझने वाली है वन सिलेबिक और मोर सिलेबिक। देखिए वन सिलेबिक और मोर सिलेबिक होता क्या है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप एक ही बार में बोल देते हो, जैसे स्मार्ट स्मार्ट, ठीक है। तो ये वन सिलेबिक हो गया, यानी एक ही बार में आप इसको बोल पा रहे हैं। मोर सिलेबिक कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पावरफुल पावरफुल पावरफुल, ये मोर सिलेबिक हो गया। अब जनरली आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं जनरली होता क्या है, सिलेबिक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब हर हमें क्या करना है, उस वर्ड के टुकड़े करने हैं, और हर एक टुकड़े के अंदर हमें क्या करना चाहिए, एक वोवल साउंड होना चाहिए। जैसे पा 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 पाव व र फुल, ठीक है, ये आपका थ्री सिलेबिक वर्ड हो गया, यानी ये पा पाव व फुल। सिमिलर अगर मैं बात करूं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अब ये भी मोर सिलेबिक होगा, बी हो गया एक, यू टी ये भी हो गया, फुल के अंदर भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका। देखो सिलेबिक के अंदर क्या होना चाहिए, आपका एक वोवल साउंड होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो एक ही आपका वोवल साउंड है, तो ये वन सिलेबिक हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा आपके वोवल साउंड दिए गए हैं तो उनको टुकड़े करके देखो, अगर वो वन सिलेबिक नहीं है मोर सिलेबिक है तो वो जनरली मोर लेता है अपने साथ, और अगर वो वन सिलेबिक है तो वो अपने साथ मोर या मोस्ट नहीं लेकर चलता है, जनरली उनकी सेकेंड डिग्री होती है, राइट। जैसे मैं बात करूँ स्मार्ट, देखे ही स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये वन सिलेबिक है, तो वन सिलेबिक जो होता है उसके साथ आपका उसका ई या डिग्री होता है, लेकिन जो मोर सिलेबिक होगा तो उसके साथ हमें मोर यूज करना होगा। देखें ही इज स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, क्योंकि ये वन सिलेबिक है तो इसका ई आर फॉर्म है, ठीक है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, अब ब्यूटीफुल जो है वो आपका मोर सिलेबिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, मोर लगाया। राम इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, अब जो टॉलर है वो एक वन सिलेबिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉलर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया इज मोर पावरफुल पावरफुल देन पाकिस्तान, अब जो पावरफुल है ये मोर सिलेबिक वर्ड है, और मोर सिलेबिक वर्ड अपने साथ मोर लेकर चलता है, और वन सिलेबिक अपने साथ ई या डिग्री लेकर चलता है, राइट। सनी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज वाइफ, अब देखो इंटेलिजेंट हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका मोर सिलेबिक वर्ड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने मोर यूज कर लिया। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो वन सिलेबिक जो वर्ड होते हैं, वन सिलेबिक जो वर्ड होते हैं वो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, वो अपने साथ ई या डिग्री लेकर चलते हैं, और जो मोर सिलेबिक वर्ड्स होंगे वो अपने साथ मोर लेकर चलेंगे, राइट।
आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। चलो नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। रूल नंबर सिक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, रूल नंबर सिक्स में हम अगर ध्यान से देखें, टू कंपैरेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज टूगेदर। एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते। राम इज मोर स्मार्टर, देखो स्मार्टर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। होना क्या चाहिए, राम इज स्मार्टर देन श्याम, तो ये होना चाहिए। शी इज मोर प्रीटियर देन हर मदर। अब प्रीटियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये अपने साथ मोर लेकर नहीं चलेगा। होना क्या चाहिए, शी इज प्रीटियर देन हर मदर, ये होना चाहिए। तो ये रूल नंबर सिक्स हो गया आपका। अब रूल नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए टू कंपैरेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस के अंदर हमें दो कंपैरेटिव डिग्री दी गई होती है तो हमें उनका प्लेस को कैसे करना होता है। देखिए राम इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस इनकरेक्ट इसलिए हुआ। देखिए जनरली आपका जो प्लेस होना चाहिए, जो ई आर वाला जो डिग्री होता है उसको फर्स्ट प्लेस पे रखा जाता है, और जो मोर वाला जो जो आपका डिग्री होता है उसको सेकंड प्लेस पे रखा जाता है। देखिए राम इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि देखो स्मार्टर वाला पहले आना चाहिए था। देखो राम इज स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, तो ये होना चाहिए था। सिमिलर इंडिया इज मोर पावरफुल एंड ग्रेटर देन पाकिस्तान, अब होना क्या चाहिए था, ग्रेटर को पहले लेके आना चाहिए था और मोर पावरफुल को बाद में लेकर आना चाहिए था। तो होना क्या चाहिए था, इंडिया इज ग्रेटर एंड मोर पावरफुल देन पाकिस्तान होना चाहिए था, राइट। अब सेंटेंस नंबर एट पे मूव करते हैं, रूल नंबर एट पे मूव करते हैं हम। कंपेरिव डिग्री विद एनी अदर, देखो कंपेरिव डिग्री के अंदर हम एनी अदर का यूज करते हैं, तो एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर लेते हैं। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, एनी अदर बॉय होना चाहिए, राइट। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, और इंटेलिजेंट आपका मोर सिलेबिक वर्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मोर लगा दिया। रूल नंबर नाइन की अगर मैं बात करता हूँ, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, अगर एक ही सेंटेंस में हमें नाउन के रिपीटेशन को छोड़ना है तो वहां पर हम दैट का यूज कर लेते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ चाइना इज चीपर देन इंडिया, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों, अब यहाँ पे गोल्ड ऑफ चाइना, चाइना का जो गोल्ड है उसका कंपेरिजन हम इंडिया के साथ करें, जो कि इनकरेक्ट हो गया। द गोल्ड ऑफ चाइना इज चीपर देन द गोल्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमें गोल्ड का हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था, हमें यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। होना क्या चाहिए था, करेक्ट आंसर, द गोल्ड ऑफ चाइना इज चीपर देन दैट ऑफ इंडिया। अब ये जो दैट आया है वो गोल्ड के लिए आया ना, द गोल्ड के लिए आया, तो क्या हो गया, द गोल्ड का रिपीटेशन छोड़ने के लिए हमने दैट का यूज किया, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस के भी काफी एरर आते हैं, यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट सच एरर्स, आपको ऐसे एरर्स को ध्यान में रखना, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10। व्हेन टू क्वालिटीज वन पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, एक ही इंसान की या एक ही चीज की दो क्वालिटी का जब हम कंपेरिजन कर लेते हैं तो जनरली होता क्या है, जनरली हम उस केस में क्या यूज करते हैं, देखिए दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन स्मार्टर, हालांकि जो जो स्ट्रॉन्गर है ये स्मार्टर है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। लेकिन जब आप किसी इंसान की दो क्वालिटीज या दो किसी चीज की दो क्वालिटीज का कंपेरिजन आपस में करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री वी हैव टू यूज मोर विथ पॉजिटिव डिग्री, उस केस में हमें मोर लगाकर पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है। हालांकि उनकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, लेकिन जब आप एक ही इंसान की या एक ही चीज की दो क्वालिटीज का कंपेरिजन करते हो तो मोर लगाकर हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करना होता है। देखिए द बॉय इज मोर स्ट्रॉन्ग देन स्मार्ट, द बॉय इज मोर स्ट्रॉन्ग देन स्मार्ट, अब देखो मोर के साथ हमने पॉजिटिव डिग्री यूज किया है और स्मार्ट भी हमने पॉजिटिव डिग्री यूज किया है, ये रूल कहता है, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, दिस वॉच इज कॉस्टलियर देन प्रीटियर, अब कॉस्टलियर क्या है, देखो ये कंपेयर डिग्री है, अब प्रीटियर है, मतलब एक ही वॉच के हम दो क्वालिटीज का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, मोर के साथ हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है। द वॉच इज मोर कॉस्टली आ जाएगा एंड प्रीटी आ जाएगा, राइट, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। तो जब हम एक ही चीज की या एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ हैविंग कंपैरेटिव डिग्री वी हैव टू यूज मोर विथ पॉजिटिव डिग्री, इन दैट केस हमें मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है। रूल नंबर 11 की अगर मैं बात करता हूँ, देखो कंपेयर डिग्री विथ बिटवीन द टू ऑफ द टू, जब आपको कभी बिटवीन द टू या ऑफ द टू मिलता है, हालांकि देखो आर्टिकल जो द होता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में लगता है, लेकिन जब आपको बिटवीन द टू या ऑफ द टू ये फ्रेज अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में मिलता है तो उस केस में हमें कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल द यूज करना होता है। देखिए शी इज द प्रीटियर बिटवीन द टू सिस्टर्स, देखो आप बिटवीन द टू सिस्टर्स
तो हमने देखो प्रीटी है, हालांकि कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके साथ हमने आर्टिकल द लगा दिया। वाई सो? क्योंकि बिटवीन द टू ऑफ द टू की जब हम बात करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी हम आर्टिकल द लगा लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द टू इज द बेटर बुक, विच ऑफ द टू, देखो अब यहाँ पे भी हमने ऑफ द टू यूज कर लिया, राइट? तो द बेटर, अब बेटर क्या कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके साथ हमने आर्टिकल का यूज भी कर लिया। तो जब आप ऑफ द टू या बिटवीन द टू की बात कर लेते हैं, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द कंपेरेटिव डिग्री वी हैव टू यूज आर्टिकल विद कंपेरेटिव डिग्री, हमें कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द लगाना होता है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी। देखिए रूल नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ, इन द फॉलोइंग केसेस कंपेरेटिव डिग्री टेक्स आर्टिकल द। अब ये जो केसेस है, पहला केस तो हमने बात कर लिया ऑफ द टू बिटवीन द टू, उस केस में हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ। अब जनरली इस तरह के जब केसेस आपको मिलते हैं जहां पर आपको दो पैरेलल एक्शन दिखाई जाते हैं, तो वहां पर भी आर्टिकल द के, आर्टिकल द यूज कर लेते हैं हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ। देखिए, द हाइयर यू गो द कूलर यू फील, अब देखो दो पैरेलल एक्शन को दिखा रहे हैं हम, तो जो कूलर है ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, हाइयर ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो हमने आर्टिकल द लगा लिया यहाँ पे। द ओल्डर यू गेट, देखो ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री है, एंड द वाइजर यू बिकम, तो वाइजर भी आपका कंपेरेटिव डिग्री है। इन दो पैरेलल एक्शन को जब बताते हैं आप, तो उस केस में कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आप क्या यूज कर लेते हैं, आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। द मोर यू स्वेट इन द फील्ड, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड, द मोर यू फील कंफर्टेबल इन द बैटल फील्ड। तो यहाँ पर देखो इन केसेस में कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है, राइट? अब रूल नंबर 13 पे मूव करते हैं हम, टू शो अ परसिस्टेंट प्रोग्रेस, अगर हमें प्रोग्रेस दिखानी होती है तो उस केस में भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल द के साथ, सॉरी, हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जब हम प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर दीज डेज। अब देखो हम क्या बता रहे हैं, एक परसिस्टेंट प्रोग्रेस बता रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड एंड कोल्ड यूज नहीं कर सकते हैं, कोल्डर एंड कोल्डर ही यूज किया जाएगा आपका, ठीक है? द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स आर गेटिंग हाइयर एंड हाइयर, बढ़ते ही जा रहे हैं। जब परसिस्टेंट प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वहां पर भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज रूल नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, रूल नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आई ओ आर के साथ फिनिश होते हैं, तो जनरली वो क्या होते हैं, उनके साथ हमेशा हम कंपेरेटिव डिग्री के अंदर टू का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग देन। अब एरर देने वाला हमेशा आपको देन देगा जो कि इनकरेक्ट होगा, होना क्या चाहिए, टू होना चाहिए। ही इज जूनियर देन मी, अब ये आई ओ आर वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने साथ टू लेकर चलते हैं, ना कि अपने साथ देन, तो करेक्ट आंसर टू हो जाएगा, राइट? ही इज जूनियर टू मी, ये होना चाहिए था। रूल नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो दो वर्ड है आपके एल्डर एंड ओल्डर, ये दोनों के दोनों कंपेरेटिव होते हैं। देखिए जब आप ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे एल्डर, और जब आप नॉन ब्लड की बात करेंगे, नॉन ब्लड की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं ओल्डर, ठीक है? और ओल्डर जो होता है वो अपने साथ देन लेकर चलता है, और जो एल्डर होता है वो अपने साथ टू लेकर चलता है, राइट? ये बात ध्यान में रखनी होगी आपको। देखिए राम इज एल्डर देन इज फ्रेंड, अब फ्रेंड है उसका तो डेफिनेटली नॉन ब्लड हो गया, तो नॉन ब्लड के अंदर आप देन तो आपने यूज कर लिया, एल्डर नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए, ओल्डर आना चाहिए, राइट? देखिए राम इज ओल्डर देन इज फ्रेंड, राम इज ओल्डर देन इज ब्रदर, अब जो यहाँ पे ब्रदर है तो ब्लड का रिलेशन हो गया उनका, राइट? तो यहाँ पे एल्डर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ओल्डर नहीं आना चाहिए बल्कि एल्डर आना चाहिए, लेकिन एल्डर के इसमें देन नहीं आता बल्कि टू आता है, तो करेक्ट आंसर हो गया राम इज एल्डर टू इज ब्रदर। जब नॉन ब्लड की बात करते हैं तो ओल्डर लगा देते हैं, ब्लड की बात करते हैं तो एल्डर लगा देते हैं, एल्डर अपने साथ टू लेकर चलता है, और नॉन ब्लड में यानी ओल्डर यूज करते हैं, ओल्डर अपने साथ देन लेकर चलता है, राइट? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम, इन केस ऑफ प्रेफर और प्रेफरेबल, देखो जब आपको ये वर्ड जो मिलते हैं प्रेफर, प्रेफर एंड प्रेफरेबल, ये अपने अपने कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो इनके साथ हम दोबारा कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं। जनरली इनके साथ क्या होता है, देखो इस तरह के एरर्स दिए जाते हैं, आई प्रेफर मिल्क देन टी। अब देखो यहाँ पर इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेफर या प्रेफरेबल, तो वहां पर देन न लगाकर हमें टू लगाना होता है, आई प्रेफर मिल्क टू टी। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं हम, स्प्राइट इज प्रेफरेबल देन माउंटेन ड्यू। अब देखो प्रेफरेबल आ गया तो यहाँ पर देन ना लगता है बल्कि क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, स्प्राइट इज प्रेफरेबल टू माउंटेन ड्यू, ये होना चाहिए था करेक्ट आंसर। 17 की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इन द फॉलोइंग केस यूज पॉजिटिव डिग्री इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, जब आपको किसी सेंटेंस के अंदर टाइम्स वगैरह से कुछ कंपेरिजन करके दिया जाता है, देखिए सेंटेंस को देखते हैं,
माई हाउस इज 5 टाइम्स बिगर देन योर्स। अब जो टाइम्स है ना, ये अपने आप में एक कंपेरेटिव को शो कर रहा है, कंपेरिजन को शो कर रहा है, और बिगर भी ये क्या कर रहा है, अपने आप को कंपेरिजन को शो कर रहा है। तो दो कंपेरिजन हम आपस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करेंगे, ये बिगर यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, बल्कि इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाना चाहिए था। माई हाउस इज 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स, क्या होना चाहिए था, माई हाउस इज 5 टाइम्स एज बिग एज योर्स, इट इज द करेक्ट आंसर। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I will explain superlative degrees in detail. So thank you very much. And please, please watch my video, right? Have a nice day.